दादी माँ के घरेलू नुस्खे टोटके उपाय नंबर एक। बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसे फटाफट से कैसे साफ़ करें। एक कटोरी में गर्म पानी लीजिए, उसमें बर्नर को डाल दीजिए और उसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और एक किनो का पाउच डाल दीजिए। उसे 2 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर निकाल के थोड़ा सा रगड़ के उसको साफ़ कर लीजिए। बर्नर बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा, बहुत चमकने लगेगा। नंबर 2, कोई प्लास्टिक का डिब्बा अंदर से गंदा हो गया है तो उसे साफ़ करें तो कैसे करें। तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, डिब्बे के अंदर डाल दीजिए, एक गिलास गुनगुना पानी डालिए, थोड़ा सा डिश वॉश पाउडर डालिए और ढक्कन बंद करके उसे ज़ोर से हिलाइए। आपके बिना मेहनत के डिब्बा साफ़ हो जाएगा। फिर उसको बाहर निकाल लीजिए, टिश्यू पेपर को आसानी से आपका डिब्बा साफ़ हो जाएगा। नंबर 3, छोटे मुँह की बोतल को साफ़ करना बहुत ज़्यादा परेशानी भरा काम होता है। आप एक टूथब्रश लीजिए और उसको गर्म करके ऊपर साइड से मोड़ लीजिए, उससे आप बोतल के अंदर डाल के बोतल को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, बोतल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। नंबर 4, आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो या उसमें काजू नहीं है डालने के लिए, तो आप 3-4 चम्मच मूँगफली को भून कर उसका छिलका निकाल कर और पीस के ग्रेवी में डाल दोगे तो काजू का काम करेगी, ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 5, भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा रसेदार चुपचुपी हो जाती है बनाते समय, तो आप क्या करें जिससे चुपचुपी ना हो। तो आप भिंडी पकाने के बाद, जैसे भिंडी पूरी पक जाती है ना, उसके बाद आप उसमें 2 चम्मच दही ऐड कर दें तो उससे भिंडी का सारा चुपचुपापन ख़त्म हो जाएगा, भिंडी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और उसका एक अलग ही स्वाद आएगा। आज का वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टिप्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।